हेलो दोस्तों, मैं जगदीश नए सत्र के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमने अपना एलईडी का सिलेबस देख लिया था और उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास लगभग 13 या 14 हमारे पास चैप्टर्स हैं जो मैथ्स के, तो उनमें से आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मैट्रिक्स है, जो पहला पार्ट है। ठीक है, ये एक बुक है, समझ लीजिए कि ये बुक है, इसके अंदर बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें से हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करनी है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं, ये रहे 1 2 3 4 5 6। जैसे पहला चैप्टर है इसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज, पहली बार इसके अंदर हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा है मैट्रिक्स से ही बाद में क्या बनता है, डिटर्मिनेंट बनता है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके आगे हम जाएंगे तो हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे इस थर्ड चैप्टर पर। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर जो है इस पर हम इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना सीखेंगे। पहले चैप्टर में बेसिक सीखेंगे मैट्रिक्स के बारे में, दूसरे चैप्टर में मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कैसे बनता है और क्या क्या होता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मैट्रिक्स का इनवर्स, मैट्रिक्स का की रैंक निकालना सीखेंगे। रैंक के लिए हम एक इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे, ईजी मेथड जो सबसे ईजी और जल्दी सॉल्व हो जाए इससे क्वेश्चन। उसके बाद रैंक निकाल से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में ध्यान रखना। उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशंस, कि लीनियर इक्वेशन जैसे हम पढ़ते थे कि ए एक्स बी वाई, जैसे ऐसे मान लीजिए 2x + 3y = 6, x + y = 5, तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं उससे हम इसमें एक्स वाई लेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसमें हम लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स की हेल्प से इसका आंसर निकालना सीखेंगे। वैसे ये आसान है, कभी एग्जाम आए तो हम ईच मेथड से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन हम खाली सीखेंगे इसे बाद में। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में एक बचता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, उसका आइगन वैल्यूज और उसके आइगन वेक्टर्स हम निकालना है यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम आज बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर कवर करने में हमें लगभग कुछ वीडियोज बनानी पड़ेंगी, मान लीजिए 3 लेक्चर या 4 लेक्चर ऐसे हो सकते हैं हर चैप्टर पर। तो 6 चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कर लेंगे हम, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज। तो यहाँ पर अलजेब्रा और मैट्रिसेज में सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना मैट्रिक्स क्या है, जो मैं लिख रहा हूँ, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, या एलिमेंट्स रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मान लीजिए 2 3 4, इन नंबर्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं, किस तरह से, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, और उसे क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लेते हैं, इतने एलिमेंट ये हम अरेंज करना है। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ देखने से रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो मैंने लिख दिया मान लीजिए 2 3 4 यहाँ लिख दिया, 5 6 7 यहाँ लिख दिया, और काफी है, चलो एक दो एलिमेंट और लाते हैं, 2 1 1 2 3 4, ये हैं एलिमेंट्स, इन्हें हमने अरेंज कर दिया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। ये रहा रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेथ है, तो ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगुलर शेप में इसके अंदर एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, इन्हें एलिमेंट्स कहेंगे, दिख रहा है आपको। तो इसे दिखाने का एक तरीका है, जो जनरल तरीका है, जो बेसिक तरीका हम हर चैप्टर पे जिसका डिस्कशन करेंगे, हम कहेंगे कि 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कि a11 a12 a13 इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे, और इनको हम अगर अरेंज कर लें मैट्रिक्स फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 9 एलिमेंट्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज हो चुके हैं। तो अब जरा ध्यान रखना कि इन एलिमेंट का नाम ही a11 1 2 1 3 क्यों हुआ, ये a33 पहले क्यों था और बाद में कहीं था। ठीक है, ये भी मैं समझाऊंगा क्यों है,
और पहले इससे हम बहुत सारी चीज़ सीख लेते हैं इस मैट्रिक्स के बारे में, सारी चीज़ें इतने से हम इससे ही हम क्या करेंगे सारी चीज़ों को अपने आप समझा देंगे किस तरह से इसमें सारी चीज़ें। पहली चीज़ ये सारे जो है ये एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर कुछ रो है कुछ कॉलम है। रो मीन्स लाइन कह देते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे खड़े होते हैं रो में, दूसरे रो में, तीसरे रो में, तो एक लाइन से रो तो ऐसे खड़े हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड का ये फील्ड है तो ये है इस तरह से, ये इस तरह से A11, A21, A31 एक रो में खड़े हैं, दूसरी रो में A12, A22, A32 ये खड़े हैं, तीसरी रो में A13, A23, A33 ये खड़े हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? रो कहते हैं। पहली चीज तो रो किसे कहते हैं, इन्हें कॉलम कहेंगे। रो किसे कहेंगे? ये जो खड़े हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। मान लो कि क्लास में एक बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, आगे टीचर, तो टीचर रो कैसे काउंट करेगा? ऐसे फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, इस तरह से पीछे की ओर को बच्चे खड़े होंगे तो पीछे की ओर को रोज काउंट होगी। ठीक है, तो ये तो होगी रोज होगी। और साथ में देखिए कॉलम भी है। कॉलम जैसे हम मकान पे लगाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं कॉलम, तो ये है कॉलम। देख लीजिए ये फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकेंड कॉलम, ये तीन और ये तीन, ये थर्ड कॉलम, तो ये कॉलम्स होते हैं। अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि मैट्रिक्स क्या है। हम इसको एक अच्छे से समझते हुए चलते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है पहली बात, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, साथ में ये एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? ये रो और कॉलम्स में होंगे। ठीक है, रो और कॉलम्स में अरेंज हो। दूसरी चीज, उसके बाद थर्ड चीज कि जो ये एलिमेंट्स हैं, हाँ ठीक है, ये एलिमेंट्स का नाम 1, 1, 1, 2, 1, 3 कैसे पड़ा है? तो ध्यान रखना, इसको मैं एक जनरल तरीके से देख सकता हूँ, ए आई जे, पहले वाला आई, दूसरा वाला जे, इसमें आई अलग है, इसमें जे अलग है, आई अलग है, जे अलग है, इस तरह से जैसे कंपेयर करते हैं ए 1, 3 से कर लेते हैं। तो ये 1, 3 लिखा हुआ क्या शो करता है कि जो ये एलिमेंट है ये कहाँ पर होगा? फर्स्ट रो पर और थर्ड कॉलम पर। अब देखिए बच्चे बैठे हैं, हमने कहा फर्स्ट रो का थर्ड स्टूडेंट थर्ड कॉलम पर बैठा हुआ स्टूडेंट खड़े हो जाओ, तो होगा क्या कि फर्स्ट रो का पहला फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में कौन है? A13। यानी ये चीज़ क्या बताती है? 1, 3 लिखा हुआ कि किस रो पर है और किस कॉलम पर है, उसकी पोजीशन बताता है। तो उसकी पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर ये ए आई जे इस तरह का क्या किया गया है, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताने के लिए ये एक तरीका है लिखने का। ऐसा हम कहीं पर भी अगर हमसे कह दिया जाएगा कि A32 कहाँ पर है, A32 एलिमेंट है, उसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम कहेंगे थर्ड रो के सेकंड कॉलम पर। थर्ड रो देखना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का पहला कॉलम, दूसरा रो, तो दूसरा कॉलम ये हो गया A32। तो इस तरह से हम समझाएंगे कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हैं किस तरह से रहते हैं। इसके अंदर रो होती हैं, कॉलम्स होती हैं, रो जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं सीधी से, और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल लाइन्स होती हैं। एक चीज़ और लिख लेते हैं, रो कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। साथ में एलिमेंट की पोजीशन के लिए 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2 ये इस तरह से तब लिखा रहता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे कि इस मैट्रिक्स में एक चीज और होती है, वो क्या होता है? ऑर्डर। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर बताओ लेंगे कि कितना है। तो ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर लिखने का एक तरीका होता है रो इनटू कॉलम। ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि जितनी रो है मल्टीप्लाई करेंगे और जितने कॉलम है, तो हम देखते हैं 1, 2, 3 रो है और 1, 2, 3 कॉलम है, तो यहाँ पर, और जो ये ऑर्डर है ऑर्डर को लिखा कहाँ जाता है? मैट्रिक्स के लास्ट में, यहाँ पर बॉक्स के बाहर, 3 × 3, क्योंकि 3 रो है फिर 3 कॉलम, पहले रो को लिखेंगे पहले कॉलम को लिखने को दर्ज हो जाएगा। ये एक तरीका है तो रो और कॉलम्स को लिखने का। मान लेते हैं हमारा मैट्रिक्स था जिसमें m रो थी और n कॉलम थे, तो पहले किसे लिखेंगे? ऑर्डर कितना हो जाएगा उसका? पहले रो आएंगी m, फिर कॉलम आएंगे m, यानी m into n। उसका लिखने का तरीका ये हो गया, ऑर्डर लिखने का तरीका, और ऑर्डर ये हो गया। अब ये चीज़ हमें समझ में आई कि ऑर्डर तो ये है, लेकिन ये ऑर्डर समझा रहा था कि रो और कॉलम्स को, इसका और क्या यूज है? अगर हमसे कह दें कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है जो कि उसका ऑर्डर हमें दिया है यहीं पर m into n, तो उसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? ठीक है, मान लीजिए कि ये 3 × 3 का है, 3 × 3 ऑर्डर है इसका, कितने एलिमेंट होंगे टोटल?
तो हमें दिख रहा है कि काउंट करेंगे 9 आ रहा है, तो ये आता किससे है, किस ऑर्डर से आता है, यानी अगर m into n ऑर्डर है तो एलिमेंट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता 9, अगर 4 into 3 होता तो 4 3 जा 12, तो 12 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो यहीं से दो क्वेश्चन बन चुके हैं, एक ऑर्डर वाला, और ऑर्डर से ही हम क्या बता सकते हैं कितने एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट से हम ये बता सकते हैं कितना उसका ऑर्डर होगा। जैसे मैं इस पर एक क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह से, देखिए रो ऑर्डर और हम ऑर्डर एंड एलिमेंट पे जा रहे हैं, ठीक है। हमसे बोलता है कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 into 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। तो ये तो हम लोगों को आता है इजीली कि 4 से 12, आंसर ये इजी क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि मान लो हमसे कहता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो 12 है, ऑर्डर बताओ। अब मुझे जरा समझाना इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, क्या इसका ऑर्डर 1 into 12 हो सकता है, एक रो 12 कॉलम, क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर तो यही आ रहा है, हो सकता है बिल्कुल। ऐसा भी तो हो सकता है 2 into 6, तभी तो 2 6 12 आ रहा है। ऐसे 3 into 4 भी हो सकता है, 3 4 12 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे 4 into 3 भी तो हो सकता है, 4 3 12 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 6 into 2 भी हो सकता है, और 12 into 1 भी हो सकता है। ये क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। देखिए जब हमें क्या दिया होगा, ऑर्डर दिया होगा तो एलिमेंट तो फिक्स है कि बराबर एक कितने हैं वो हमेशा फिक्स होंगे, ठीक है। अगर 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट्स हम बहुत तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 into 5 की बना सकते हैं, 10 into 1 की बना सकते हैं, अलग अलग तरह की बना सकते हैं। तो है क्या कि ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो सकता है अलग अलग मैट्रिक्स में, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल ही रहते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन ये हमारा 12th क्लास से है, जहाँ पर हम मैट्रिक्स शुरू करते हैं वहाँ का बेसिक है, ठीक है। सो यहाँ पर तो हम इसे आगे तक पढ़ेंगे, BSc लेवल का पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सब 12th कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। हम लोग इतना समझ चुके हैं मैट्रिक्स के बारे में, सब कुछ समझ चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। और हम ये भी जान चुके हैं कि ये लिखने का तरीका है, इसको एक लिखने का तरीका दूसरा भी है जो मैं अभी समझा देता हूँ आपको, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे इस मैट्रिक्स को हम जनरल तरीके से इतना लिख रहे थे, तो मैंने तो इसको 3x3 की बनाई थी, हमें इसको अगर बड़ा बनाना चाहूँ तो इसको मैट्रिक्स को लिखेगा, तो हम ये सबको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए किसी को करना है तो, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, जनरल तरीका हम याद रख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि हम कैसे लिखेंगे a11 a12 a13, 1 1 क्यों रहना है, फर्स्ट रो पे ही चल रहा है, लेकिन कॉलम तो ये पहला है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, इसलिए बार बार बदल गया है, ध्यान रखना। ऐसे ही चलते रहेगा, मान लेते हैं a1 m लिख देते हैं, चलो n लिख लेते हैं, 1 n, मान लो यहाँ से यहाँ तक n एलिमेंट है। ऐसे ही दूसरी रो पे तो दूसरा आएगा 2 1 2 2 2 3, इसी तरह से 2, यहाँ भी n एलिमेंट होंगे, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, ऐसे यहाँ n तो यहाँ भी n, आगे बढ़ेंगे। ऐसे a31 भी आएगा, ये ऐसे भी आएगा, लास्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ की ओर को मैंने कहा था n एलिमेंट हो चुके हैं, तो तब मैं यहाँ पे हर किसी पे n ला रहा था, मैं यहाँ को मान लेता हूँ कि m रो, m क्या है, रो है, ठीक है, m रो होंगी, n एलिमेंट को या n कॉलम है, ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऐसे n कॉलम। यहाँ पर मान लो मैंने कहा m रो है, तो फर्स्ट रो पे 1 m1 आया था, सेकेंड रो पे 2 आया था, थर्ड पे 3 आया होगा, m पर m आएगा, 1 तो पहला एलिमेंट 1 ही है, ऐसे m am2 am3 और amn आ जाए, ठीक है। तो सुनना आगे हो सकता, हाँ ठीक है। तो हम कह रहे थे कि ये एलिमेंट्स हैं इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिख रहे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट a11, फर्स्ट रो ही चल रही है, एलिमेंट दूसरा है, तीसरा है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ऐसे ही मैंने कहा m रो है तो यहाँ am आएगा, और ऐसे ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे nवां कॉलम, तीसरा कॉलम nवां, इसलिए n कॉलम है, मैंने कहा तो इसलिए n आया। और हमको पता है कि साइड में यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो पहले गिनेंगे इंटू कॉलम, रो लिखेंगे 1 2, यहाँ m रो है लिखा है, n कॉलम है तो m इंटू n, ठीक है। इतना तो इसको लिखने का एक तरीका है, जनरल शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है, इसी से मिलकर ये बना है, शॉर्ट में लिखा है aij m into n लिखा है, ब्रैकेट में देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, m into n है, अंदर aij, इतने सबकी जगह पे उसने aij लिख दिया है,
कैसे? उसे पता है कि एम रो तक जाना है मुझे और उसे पता है एम कॉलम तक भी जाना है, तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? शॉर्ट में लिखा है, पहला एलिमेंट लिखना चाहूंगा तो आई की जगह भी वन, जे की जगह भी वन लिखूंगा तो ए वन वन हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लिखूंगा तो ए वन टू हो जाएगा, ए वन थ्री हो जाएगा। इस तरह से इस पूरे को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, खाली बस समझने के लिए है तो वही चीज बाकी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक क्वेश्चन लेते हैं इससे, ये वन वन ए टू टू से थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मान लीजिए कि हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 5 0 2 3 1 4 5 6 2 3 0। चलो एक ऐसी मैट्रिक्स, पहली बात तो इसका ऑर्डर लिखेंगे कैसे, तो रो गिन होंगे, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, फोर रोज हैं, मल्टीप्लाई कॉलम 1 2 3 3 कॉलम है, 4 से 12 12 एलिमेंट होंगे, ये सब हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पर एक मेन चीज है, क्वेश्चन में कहेगा कि ए 3 1 एलिमेंट कौन सा है बताओ, तो तुम कहोगे थर्ड रो का पहला एलिमेंट, थर्ड रो का पहला कॉलम, या थर्ड रो का पहला एलिमेंट लिखते हो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, थर्ड रो पहला कौन है, फोर, यानी ये फोर जाएगा। ऐसे ही कोई कहते हैं ये 4 3, तो तुम्हें याद आएगा सीधे से आप लोगों को कि फोर्थ रो का थर्ड कॉलम, फोर्थ रो 1 2 3 4, फोर्थ रो का थर्ड यानी 0। इस तरह से हम एलिमेंट लिखा सकते हैं जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे, ये एक जनरल तरीका है कि हम कैसे काम करें। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अब मैट्रिक्स हमने पढ़ ली कि इस तरह से लिखते हैं मैट्रिक्स को, इस तरह की होती है, क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, देख लीजिए। तो मैट्रिक्स में क्या लिखा है कि मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं, जनरल टाइप्स 6 टाइप्स हैं, और भी टाइप होंगे, आगे को हम पढ़ते रहेंगे तो नए नए आते रहेंगे, तो जनरल वाले हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से क्या याद आता है आपको, कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो, यानी यहाँ पे लेंथ को हम एन से और कॉलम को एन से कह रहे थे ना, जहाँ पे एम और एन इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, वहीं क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 2 0 2 1 0 1 5 0, ये है, इसमें 1 2 3 0 है, 1 2 3 3 कॉलम है, तो ये क्या है, जिसका ऑर्डर क्या हो, जिसके ऑर्डर में एम और एन क्या हो, इक्वल हो, वह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया, सबसे आसान है, इससे इजी क्वेश्चन है, तो स्क्वायर से नाम से आ रहा है और ऐसे समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास स्क्वायर है, इसमें डायगोनल ये वाला होगा। ठीक है, एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये वाला होगा, दो डायगोनल होंगे। ठीक है, समझ में आया ना? तो इसमें एक चीज और यहीं पर सीख लेते हैं जो याद आया मुझे, तो जो पहला डायगोनल होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ये डायगोनल वाले, पहली चीज तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है इसका, तभी डायगोनल बनेगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें मैं डायगोनल क्या करूँ, सोचो यहाँ से लूंगा तो ये नहीं आएंगे, यहाँ से किसी को यहाँ से पसंद आएगा, यहाँ से तो बनेगा नहीं डायगोनल। ठीक है, रेक्टेंगल में होता है डायगोनल, लेकिन इस रेक्टेंगल मैट्रिक्स में नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो इसमें क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये है डायगोनल के एलिमेंट, सिर्फ यही एलिमेंट क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स वैल्यू रखेंगे, बाकी एलिमेंट्स जीरो होंगे। कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होंगे, प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से यही है प्रिंसिपल डायगोनल, हाँ ये प्रिंसिपल पी ए वाला होता है। ठीक है, प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल है वही वाला प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट वैल्यू रखेंगे, बाकी अदर जो है वो जीरो होंगे, ये भी हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा बाकी जीरो होंगे, ये कहता है डायगोनल मैट्रिक्स। अगला आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल वाले हैं ना, ये वन होंगे, आइडेंटिटी या यूनिट, आइडेंटिटी को भी वन कहते हैं, यूनिट को भी वन कहते हैं, ये वाले एलिमेंट वन होंगे, अदर जीरो होंगे। ठीक है, यानी ये वाला मैट्रिक्स भी एक डायगोनल उतार वाला ही मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है, कौन, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी इस तरह से काम कर रहा है। ठीक
ये लिखा जाए आप एग्जाम्पल लिखिएगा नोट्स बना सकते हैं, तो इसमें लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये तो सब एग्जाम तो आने वाला है नहीं, हम बस बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं, क्या पता इसमें से कुछ आ जाए, लेकिन पूछेगा वो नॉर्मल तरीके से, तो मुझे समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सभी जीरो होंगे। अब जरा ध्यान देना, जो मैंने ऊपर के तीन लिखे थे 1 2 3, ये तीनों क्या थे, स्क्वायर थे। अगर स्क्वायर नहीं होंगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डायगोनल भी स्क्वायर में ही बनता है, हमने बताया था इसमें और इसमें डायगोनल में, इन दोनों में स्क्वायर बनना है तभी डायगोनल हो सकता है डायगोनल की वजह से। और इस वाले में तो आपको पता है नाम ही स्क्वायर है, इस जीरो वाले में ये स्क्वायर भी हो सकता है या ये कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक दो रो हैं, तीन कॉलम हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नल मतलब भी जीरो ही होता है या जीरो मैट्रिक्स तो जीरो, तो ये दो तरह के नाम है इसके, तो दोनों में ही क्या होंगे, जीरो एलिमेंट होंगे सबके साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, वो रो मैट्रिक्स होगी। रो एक ही हो मतलब ये 1 2 3 4 एक ही रो है, कॉलम तो 1 2 3 4 कॉलम है, तो एक रो है फोर कॉलम है, तो इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम कितने भी हो, रो एक होना चाहिए बस। ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में, इसमें भी ओनली वन कॉलम होगा, एक ही कॉलम कैसे हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ रो तो देखो 1 2 3 तीन रो हैं, कॉलम एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। जो चीज़ वन होगी वही मैट्रिक्स होगा, तो समझ में आ गया सभी को, नोट कर लीजिए इसे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो ये सब जनरल चीज़ें थी, अभी हम जनरली पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे, इसमें से भी देखेंगे एग्जाम में कई चीज़ें पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे सब मैट्रिक्स क्या होती है, सब मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बनाओगे, जैसे मुझसे कह देगा कि 1 2 3 5 0 1 6 2 3 ये एक मैट्रिक्स है, 3 × 3 की है, इसकी मुझे सब मैट्रिक्स दोगे, तो मैं सब मैट्रिक्स क्या लिख सकता हूँ। तो देखो एक ऐसी मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो अपनी मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स को गायब करके बन जाती है, कुछ रो या कुछ कॉलम को। जैसे मैं यहाँ पर देखो, मैं क्या करता हूँ, ये वाला ये कॉलम जो लास्ट का, इसको हटा देता हूँ, तो बचेगा क्या, 1 2 5 0 6 2 ये बचेगा, ये भी एक सब मैट्रिक्स है इसका। अब ऐसे एक बार मैंने ये हटाया, चलो एक बार में ये हटाया, ये दोनों हटा देते हैं, ये वाली कॉलम हटाए थे, ये नीचे की रो हटाए थे, बचा क्या 1 2 5 0 ये बचा। ऐसे एक दो और काम करते हैं, एक बार हम इधर ही का हटाते हैं, ये नीचे का हटा देते हैं कॉलम रो कॉलम, ये वाली चीजें बचाते हैं 1 2 3 5 0 1 ये बचा दिया। तो ये सभी क्या हैं, सब मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे इसके सब मैट्रिक्स, अगर हम अपनी जनरल मैट्रिक्स में से कुछ रोज या कॉलम को गायब कर देते हैं तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनती है वो सब मैट्रिक्स, यानी उससे छोटी मैट्रिक्स लेकिन उसी की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके साथ में एक चीज और आता है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, इसीलिए मैंने बताया सब मैट्रिक्स तो इजी, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ये भी इजी है, आसान है। तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें डायगोनल एलिमेंट वही होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर द डायगोनल एलिमेंट, वही डायगोनल एलिमेंट होंगे जो पहली मैट्रिक्स के हैं। जैसे चलो इस पर आते हैं, बताइए इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 0 3 मैंने सब मैट्रिक्स ही बनाई, क्या इसमें 1 0 3 है, इसका डायगोनल बन सकता है, पहली बात तो डायगोनल बन नहीं सकते, तो ये वाला जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल सब मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। पहला तो डायगोनल सब मैट्रिक्स नहीं। दूसरे वाले पर आते हैं, इस पर देखो इसके डायगोनल 1 और 0 है, ये वही उसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंटों में से है ना कुछ 1 और 0, तो यानी ये जो है ये ही क्या है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक है इस मैट्रिक्स की। ऐसे आगे बढ़ते हैं, इसमें डायगोनल बनेगा ही, तो डायगोनल जब हम बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल सब मैट्रिक है वो मैट्रिक्स होगा, वो सब मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स
अपने जहां से वो जिससे मैट्रिक्स बनी, जिस मैट्रिक्स से वो डायगोनल मैट्रिक्स बनी है, उसके क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए उसमें। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, 1 2 3। हाँ ठीक है, वही बात है, वो मैं लूंगा नहीं क्योंकि ज्यादा क्या रेक्टेंगल ले लूँ तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी सब मैट्रिक्स इसकी बन जाएंगी, हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये हो, हाँ सही है, मैं सही कह रहा हूँ, 3 4 0 2 1 3 0 1 0 2 0, ये एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 रो, कॉलम काउंट करो 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स पे हम कहते हैं कि सब मैट्रिक्स बनाओ, तो मैंने कह दिया चलो मैं एक काम करता हूँ, ये इतने ले लेता हूँ, ये लेते हैं चलो 1 2 0 2, तो ये सब मैट्रिक्स हो गए। अब बताओ इसका प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बन सकता है या नहीं? तो इसका कोई प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि जो हम मेन मैट्रिक्स है उसमें ही डायगोनल नहीं बन रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल है और यहाँ पर डायगोनल हम इनकोल है या इनकोल है, कोई किसी को भी ले सकता है, तो ये कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए इसका कोई डायगोनल नहीं होता है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इसका जब डायगोनल ही नहीं है तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स में तो डायगोनल जब भी होते हैं ना, इसके जो डायगोनल होंगे वही डायगोनल नीचे देखकर कुछ मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इसका नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे कह सकते हैं, कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ये टॉपिक है, टू मैट्रिक्स मैट्रिसेज। ठीक है, मैट्रिक्स सिंगल है, मैट्रिक्स एक से ज्यादा है। ठीक है, टॉपिक का नाम भी मैट्रिक्स है, एक के बारे में पढ़े, बहुत सारी मैट्रिक्स है जो। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल, पहले तो मैं लिख लेता हूँ दो मैट्रिक्स इक्वल, ये एक मैट्रिक्स लिखी मैंने, ये ऑर्डर थी 1 2 रोज, 1 2 3 कॉलम, ऐसे एक और मैट्रिक्स लिखी, ये 1 2। अब देखिए, आप देखकर कहेंगे कि ये दोनों तो सही मैट्रिक्स हैं, तो सेम मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहीं से इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब दिखने में वो इक्वल दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखने का तरीका कुछ अलग है, कि इसको चूज करने के लिए पहली चीज, दो मैट्रिक्स अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं मान लो कि ये छिपा दो एलिमेंट यहाँ के यहाँ की, तो कैसे बता करोगे कि इक्वल हो सकते हैं? क्या देखोगे? ऑर्डर देखोगे, कहोगे कि 2 इंटू 3, यहाँ पर भी 2 इंटू 3, ऑर्डर सेम है। तो पहली चीज कि ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेम हो तो फिर हम कहेंगे कि हो सकता है अंदर एलिमेंट अलग हो जाए, फिर कैसे हो? तो यहाँ पर क्या है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले का जैसा होना चाहिए इक्वल, दूसरा एलिमेंट हो दूसरे के जैसा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल, बाकी अगला एलिमेंट, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चल रहे हैं, पहला पहले के दूसरा दूसरे के, तो करस्पॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, जैसे 1 1 के इक्वल है, 2 2 के, 3 3। तो ये यहाँ डेफिनेशन बनेगी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? पहली चीज तो ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। सेम मीन्स यहाँ देखिए 2 3 है, यहाँ 3 2 होगा तो फिर गलत जाएगा, सेम का मीन्स 2 3 है तो वो भी 2 3 ही होना चाहिए, 3 2 का मतलब अलग होता है। ठीक है, 3 2 है, यहाँ 3 वैसा अलग सा शेप बन जाएगा, अलग से, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए नहीं काम, क्योंकि इक्वल तो 6 ही आएगा, 6 ही भी आएगा। सेम मीन्स जैसा इधर है वैसा ही वहां। दूसरी चीज, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सारे करस्पॉन्डिंग, पहला पहले के दूसरा दूसरे के, वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए या सेम, कहो बात की। तो ये चीजें होंगी तो हम कहेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर होगा, सबसे मेन बात तो ये। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने ये लेक्चर भी थोड़ा देखा था, तो एनटी में भी आ सकता है कभी, ऐसे इजी होगा, लेकिन ऐसे आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है के प्लस 1 0 2 2 के प्लस 2, ये इक्वल टू, यहाँ दिया है 2 3 4 6, हाँ 2 3 4 6 दिया है, साथ में यहाँ पे लिखा है के डज नॉट इक्वल टू 2, ये दिया है। अब इसमें तुमसे कहेगा कि फाइंड के,
क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। तो क्या करोगे, इसमें इक्वलिटी लगाओगे क्योंकि हमने इक्वल लिखा है ना, तो पहला वाला पहले के इक्वल होगा, यानी जो k प्लस वन है वो टू के इक्वल होगा। ऐसे ही जीरो जो है यहाँ भी जीरो होगा, वैसे यहाँ भी टू होगा, ठीक है, दिया इस तरह से। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आया ऐसे, तो जीरो जीरो के इक्वल है, टू टू के इक्वल है, फिर बचा क्या है, टू के प्लस टू ये सिक्स के इक्वल है। यहाँ से k निकालोगे तो टू माइनस वन वन आएगा, यहाँ से k निकालोगे सिक्स माइनस फोर टू फोर और टू से डिवाइड करेंगे टू आएगा। यहाँ बोला है k तो टू नहीं होगा इसलिए ये तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, ये होगा k इक्वल टू वन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, बस खाली मेथड समझ लो। क्वेश्चन तो ऐसे हजारों मिल जाएंगे, वो हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे पुराने, जैसे उत्तराखंड के, यूपी के, या कहीं के भी जहाँ भी पेपर हो रखे हैं सब जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि हम एडिटिव उत्तराखंड एडिटिव कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मिल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ रहे हैं कहीं दूसरी जगह, हो सकता है वैसे ही क्वेश्चन हमारे यहाँ भी आए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या रहो, तैयार रहो कैसे क्वेश्चन करने के लिए। ये हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, ये बेसिक चल रहा है, ऐसा हम सोचे कि तो हमने सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो रहा है समझ लीजिए, क्योंकि पूरा हम इस जो मैंने ये शुरू कर रहा हूँ ये सीरीज, इसका मोटिव ये है कि हम क्या करें, बेसिक से होते हुए हायर लेवल तक जाएं, सबसे छोटे से सीखेंगे सबसे ऊपर तक सीखेंगे, ताकि कुछ भी पेपर में आए तो हम सब कर लें, ठीक है। तो इसलिए ऐसा समझ के आप पढ़ना। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन एडिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज, एडिशन होने के लिए भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली चीज सेम ऑर्डर, ठीक है, बाकी हो जाता है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। मान लीजिए दो मैट्रिक्स लेते हैं, सीधे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए बी सी, ए वन वन, ए टू टू, नहीं था मुझे बताया था ताकि जल्दी समझ आए। एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स है 105214, कह रहा है कि इनको ऐड करो। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे हम, इसका ऑर्डर कितना है, टू रो थ्री कॉलम, टू रो थ्री कॉलम, यानी ऑर्डर सेम है तो यानी ऐड होते हैं, तो हम ऐड करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो डज यहाँ पे लिख देंगे नीचे कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आगे देखिए ऐड कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, पहला वाला पहले से ऐड होगा, दूसरा वाला दूसरे से ऐड होगा, और तीसरा वाला तीसरे से ऐड होगा, ऐसे ही नीचे पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो देखिए 2 2 8 4 4 4, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई और ये आंसर हो जाएगा एडिशन। इसी के अपोज में 1 2 3 3 2 1, एक ये है मैट्रिक्स, प्लस 1 0 2 0 3 1, अब ऐड करोगे हम ऑर्डर देख लो, वैसे तो देख के समझ में आएगा, नहीं आ रहा तो सबसे मेन चीज ऑर्डर बेसिक से करो, 1 2 into 3, यहाँ 3 into 2, कैसे होगा, मैंने कहा था ना ऑर्डर आगे पीछे भी होगा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, खाली बना दिया गया है। इसलिए आगे समझना आपको, एडिशन बहुत ईजी है, इस तरह से करना है, लेकिन इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के एडिशन में क्या चीज हो सकती है, इन सब ऑप्शन में से चार ऑप्शन में कह देंगे सेम ऑर्डर, सेम साइज, सेम एलिमेंट्स, इस तरह से बना देंगे, तो वहां पर आपको समझना आना चाहिए कि सेम ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अभी बन के आए या आते भी हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये भी कम्प्लीट। तो ये छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे पढ़ रहे हैं हम, लेकिन सारी चीजें पढ़नी है जितने हमारे चैप्टर्स हैं, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सारी चीजें पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एडिशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हमने एडिशन पढ़ा तो उसी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा है, और उसकी प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बोल रहा हूँ, हर जगह कम्युनिटी में ऐसा ही होता है। एक इसमें हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एडिशन, जो हमें काम आएगा। अब मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ऐसे है, दूसरी मैट्रिक्स ऐसे, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं,
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करते हैं, चाहे पहले को दूसरे में ऐड करें या दूसरे को पहले, तो जो आंसर आएगा वो बराबर ही आएगा। जैसे क्या आता था, 1 + 3 = 4 आता था, तो 3 + 1 = 4 ही आता है। ये एडिशन में हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव का मतलब ही है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेकेंड करें चाहे सेकेंड फर्स्ट करें, हमेशा आंसर जो आएगा वो इक्वल ही आएगा। ये मैट्रिक्स एडिशन है। ऐसे ही हम जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, हो भी सकती है नहीं भी होती है, वहाँ मैक्सिमली नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तीनों को ऐड कर रहे हैं, इधर भी ऐड कर रहे हैं, इधर भी ऐड कर रहे हैं। अब इधर क्या कर रहे हैं ना, पहले ए और बी को ऐड कर रहे हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें सी को ऐड कर रहे हैं। और एक बार हम क्या कर रहे हैं ना, पहले बी और सी को ऐड कर रहे हैं, जो आंसर आएगा उसमें ए को ऐड कर रहे हैं। तो ब्रैकेट का मतलब समझना कि पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर इसको, पहले इसको फिर इसको, तो आगे पीछे कर रहे हैं ना, तब भी ये इक्वल आते हैं। ये किसके साथ होता है, मैट्रिक्स के साथ होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चल रहा है, ध्यान रखना। ऊपर ऐसे लिखा है हमने, लेकिन साथ में भी ऐसे लिखो तो अंडर एडिशन में है, ये अंडर एडिशन में है, ध्यान रखना। दो प्रॉपर्टी आ गई सभी को, ठीक है, इतना हो गया होगा। एक मैं आइडेंटिटी और इनवर्स बताता हूँ, दो और हमें ये प्रॉपर्टी सारी काम आएंगी हमें, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी कि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें क्या होता है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी अलग होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग होती है एलिमेंट, ठीक है, नाम से समझ आ रहा होगा आइडेंटिटी, ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें होता क्या, ध्यान देना। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स में हम कैसा एक मैट्रिक्स इसमें ऐड करें कि यही आ जाए वापस, यही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाए। सारे मैट्रिक्स पढ़ रखी हूँ, यहाँ से देखिए ये भी पढ़ा था हमने, और एक साथ हमने ये भी पढ़ा था। ये मैंने कहा था कि नल मैट्रिक्स है, ये कहा था मैंने आइडेंटिटी है, यूनिट मैट्रिक्स है। अब बताइए कि मैं इस ए वाले मैट्रिक्स में क्या ऐड करूँ। ए मैट्रिक्स की जगह मैं लिख देता हूँ कि 1 2 3 0 2 4 1 3 5, ये है, और वापस इसी को आना है, यहाँ पर कुछ इसमें ऐड करो, वापस यही आए, बताओ क्या ऐड करोगे। फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे तो अलग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 में हमें ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 5 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसलिए 5 और 1 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 वाले को ही ऐड करना सही रहेगा, क्योंकि वापस वही आ जाएगा आगे पर। तो यानी हमने नल मैट्रिक्स, जिसको हम 0 से भी दिखाते हैं, आइडेंटिटी को आई से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो नल मैट्रिक्स है, यही क्या होता है, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान रखना एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये नल मैट्रिक्स को ही कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यही क्या है, ये एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं कि यह मैट्रिक्स कह दो, ये एक ही होता है, ठीक है, तो यही रहेगा हमेशा के लिए। ये तो आगे होगा। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर भी एक बहुत बेस्ट चीज है, यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स है, वो कहता है कि इसमें एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करो कि क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी 0 वाला मैट्रिक्स आ जाए, इसमें एक्स को ऐड करो। अब बताओ क्या ऐड करोगे इसमें, ये आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि इसमें तुम -a को ऐड करोगे ना, तभी तो 0 बनेगा इसका, ठीक है। तो इसका मतलब जो इनवर्स होता है वो माइनस ऑफ वही एलिमेंट होता है जिसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटा मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 -5 या 1 2 3 5 लेते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ तो
माइनस लगाना है, हमने माइनस ए सीख रखा है, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव ये हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा इसका, तो इसका इस इन्वर्स ये है। समझ में आ गया, चार प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान रखना है ये चारों के चारों। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारी, तो बताता हूँ कि कुछ कुछ जो काम के हैं। हाँ, एक कैंसिलेशन लॉ है, जो कैंसिलेशन लॉ ये नोट कर लेना, कैंसिलेशन लॉ जो होता है वो भी होल्ड करता है मैट्रिक्स में, एडिशन में, मैट्रिक्स एडिशन में पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन, तो ध्यान रखना कि मैट्रिक्स एडिशन की बात हो रही है। तो हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन लॉ जो होता है, मान लीजिए वहाँ एग्जाम में आ गया कि कैंसिलेशन लॉ एडिशन के लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए होल्ड करता है नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स मैट्रिक्स एडिशन। अभी होता क्या है कैंसिलेशन लॉ, मानना कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, ए वाली भी ऐसी होगी, बी भी ऐसी होगी, सी भी ऐसी, इन तीनों का यह ध्यान रखना कि जब हम एडिशन की बात करें तो पहले समझा जैसे एडिशन क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, तो सभी का ऑर्डर सेम होगा। अब देखिए कि मान ली हमने कहा कि ए और बी को ऐड कर रहे हैं या ए और सी को ऐड कर रहे हैं, ये हमारे पास होगा, तो दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं, तो अब हम कैंसिलेशन लॉ लगाने की जरूरत अब पड़ेगी। अगर ऐसा दिया हुआ है इफ दिस इज गिवन, तो तब क्या होगा, ये जो ए और ए है कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, बी और सी बचेगा, तो बी और सी इक्वल होगा। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है तो बाय द कैंसिलेशन लॉ बी इक्वल टू सी, ये है क्या है कैंसिलेशन लॉ। कट नहीं करना है, वो खाली समझाने के लिए बताया कि ये कट जाएंगे यही बचेगा, तो ये है कैंसिलेशन लॉ जो होल्ड करता है मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो ऐसे ही आगे को और पढ़ेंगे, ये मैट्रिक्स एडिशन पढ़ लिया है हमने। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं देखते हैं जो हम, हाँ मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी कुछ एक कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उसको भी देख लेना चाहिए शायद। ऐसा करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा दो मैट्रिक्स को, तो उसके बाद पढ़ाना सही रहेगा, पहले पढ़ना बेकार रहेगा क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तो हम एडिशन ये कहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज बाद में आएंगी जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो इस वीडियो में भी देखते हैं कि अभी चीज़ें बची हैं। ध्यान रहे चैप्टर वन चल रहा है, चैप्टर वन ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इस पर हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स चैप्टर है, इसमें फिफ्थ चैप्टर उतना ज़्यादा यूज का नहीं है, फिर भी फाइव चैप्टर तो है कब से कम। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं है क्योंकि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अपने आप आ जाएंगे, रैंक निकालने में कुछ क्वेश्चन करेंगे अपने आप सीख जाएंगे, उससे पीछे के चैप्टर्स में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वन टू थ्री फोर पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वन टू थ्री पर मेहनत करनी पड़ेगी, फोर से फिर रैंक और फाइव तो है ही ज़्यादा यूज का, सिक्स ये जल्दी हो जाएंगे, तो थ्री तक हमें काफ़ी मेहनत करनी है समझना। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, एक चीज़ मैं बता रहा था, हाँ एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो आर नल मैट्रिक्स, नहीं जीरो आर यूनिट मैट्रिक्स, जीरो एंड यूनिट मैट्रिक्स इसमें डिफरेंस क्या है। तो हमको पता है जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, साथ में हमने एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, थ्री थ्री का है थ्री फोर का है, जबकि यूनिट मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा था, हाँ यूनिट मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, यूनिट होंगे वन होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, यहाँ पे कंपल्सरी है स्क्वायर मैट्रिक्स होना, नॉट कंपल्सरी बीइंग अ यूनिट मैट्रिक्स, बीइंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट। दूसरी चीज है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स आर जीरो बट ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो इन यूनिट मैट्रिक्स, तो ये दोनों चीज़ें हो गई, ये एक मेन डिफरेंस है जिसमें कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। जीरो मैट्रिक्स जो है ये एक और भी मेन रोल रखता है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मतलब एडिटिव, जब हम
आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन कब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? एडिशन में, ठीक है। अब हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो यूनिट मैट्रिक्स के बारे में, तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अभी मैं खाली बस हल्का बता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है कन्फ्यूज करने के लिए कि बताओ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, तो लोग सब कन्फ्यूज होकर वन वाला लगा देंगे कहीं और ये कहेंगे जीरो वाला लगा देंगे। ध्यान रखना ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिटिव क्यों है, क्योंकि इसको ऐड करने पर वापस वही एलिमेंट आता है और ये वन वन वाला सब वन वन होते हैं इसमें सारे, ठीक है। ये डायगनल वाले जो बाकी इनसे मल्टीप्लाई करते हैं जब इससे एक मैट्रिक्स को, तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव है। ये प्रॉपर्टी हम इसमें आके पढ़ेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे जब, तो ये चीज़ समझ आगे होंगे सभी को आएगा। तो यहाँ पर पहला पार्ट खत्म करते हैं। अभी इसमें लगभग पांच पार्ट पहले वीडियो पहले चैप्टर में बनेंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ये जल्दी हो पाएगा तो इतनी जैसे होगा मैं ऐसे करूँगा। और ठीक है, बताना मुझे कि कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है नहीं है, ऑडियो आ रही है नहीं आ रही है, ऑडियो ऐसा हो रहा है कि कैमरा नहीं है मेरे पास तो मोबाइल से बना रहा हूँ, तो लेकिन बताना जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे के रेड के बटन पर सब्सक्राइब लिखा रहेगा वहाँ पर, और बेल आएगी तो बेल पर भी क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जैसे वीडियो डालो मैं अपलोड करूँ, और साथ में दोस्तों को जरूर शेयर करना प्लीज, क्योंकि यहाँ पर नया चैनल शुरू किया है हमने तो हमारे पास कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है इतने खास, और हमारे वीडियो बाकी जिन बच्चों को जरूरत है उन तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। मैथ्स तो और पूरा कंप्लीट किया जाएगा, साथ में मैं यहाँ पर साइकोलॉजी पेडागोजी वाला सेक्शन भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो और बाकी जो पुराना पेपर हम शुरू कर रहे थे दो वीडियो आएंगे खाली दो क्वेश्चन थे उसमें, उसको आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सोचा था कि थोड़ा अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा पढ़ाई में मन लगे रहेगा। तो यहाँ से हमने शुरू कर दिया है ये मैट्रिक्स का आज पहला पार्ट, ठीक है। तो नई वीडियो के लिए वेट करिए, वैसे हर रोज मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन कभी ना भी हो तो दो दिन में एक वीडियो तो आ ही जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं रोज करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।